ये जो बात कही गई है इकबाल सिंह जी की तरफ से, क्या आप इस बात से सहमत हैं या कोई आपत्ति आप जताना चाहेंगे? बिल्कुल सहमत होने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक में जाकर या मीडिया के मित्रों को बुलाकर जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उनकी खुद की जो सत्ता है, जो उनकी ताकत है, जिस फिलिस्तीन का वो करते हैं संचालन, उनको खुद ये नहीं पता क्या क्या आके मतलब मीडिया में आने के आकर कहने से कोई अगर दहशतगर्दी की एक्टिविटी में है तो उनके कहने से चला जाएगा, आपको ऐसा लगता है? मतलब ये ठीक है, वो रिस्पेक्ट करते हैं उनका, लेकिन ये जिस चीजों जिन चीजों की वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को कानूनी तर्ज पे जो काम करने की जरूरत है वो करने के बजाय दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर की बात कि मैं आपको बताऊं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन्हीं चुनाव में दसियों बार अपने प्रचार और प्रसार में उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 10 बार डिटेल्स मांगी, डेटा मांगा कि आपके पास गैर कानूनी तरीके से कितने घुसपैठिए हैं, सरकार के पास कानूनी कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए जिस तरीके का पैनिक वो सोसाइटी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बजाय करने की ये जरूरत है कि जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें और सबसे पहले उन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट में डालें जिन लोगों ने करप्शन के चलते किसी का आधार कार्ड बना के दिया, किसी को पैन कार्ड बना के दिया या और दूसरी योजनाओं में दिया, लेकिन वो ये नहीं करेंगे, वो ये नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे और समाज के बीच में भेद। अब घुसपैठिए, मुझे बताइए, घुसपैठिए को किसके मुखालिफत करने तो कोई आने वाला नहीं है, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कहीं भी एक सिंपल FIR अगर हुई है तो मुझे बता दीजिए, नहीं मिलेगा आपको कुछ। अच्छा, जो लोग आए उनके खिलाफ सिंपल FIR, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, जो लोग लिप्त हैं, जो प्रशासनिक तौर पे लिप्त है, भाई आधार कार्ड जो है वो कोई घुसपैठी आके तो बताया। अच्छा, मेरे को एक चीज इसमें जाननी है, कर्मचारी होगा जिसका सिक्का लगा होगा। अब मेरे को एक चीज जाननी है, मेरे को जरा ये बताइएगा, आपने कहा कि जो लोग लिप्त हैं, जो उनको आधार कार्ड देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज ही की खबर है ये, गुजरात के सूरत से खबर है। सूरत में एक बांग्लादेशी मुस्लिम को पकड़ा जाता है जिसका आधार कार्ड जिसके पास मिला है, जिस पर हिंदू बदलकर उसने दस्तावेज अपना हिंदू कराया। सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जिस मदरसे को फंड मिलता है वहां से दस्तावेज प्रोवाइड कराए गए हैं। ये गुजरात पुलिस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिक्र भी किया है। गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने इस पर आपत्ति भी जताई है कि ये बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है। और हाल ही पुराने बजट में, अभी लेटेस्ट बजट की बात की जा रही है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 5,530 करोड़ रुपए मदरसों के लिए सैंक्शन किए हैं। अब वहां से अगर इस तरह के प्रोवाइड हो रहे हैं, इस तरह के दस्तावेज प्रोवाइड हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप, दानिश जी? जहां तक कानून और वैधता की बात है, मैं आपको बताऊं, इसी गुजरात के अंदर में यहाँ से हमारे वहाँ के वो आते हैं गृहमंत्री, प्रदेश के गृहमंत्री, उनके वहां से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर बरोड़ा है, जहाँ पर कानूनन और जायज डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकारी तर्ज पे कार्रवाई, अगर जो इनको ऐसे दस्तावेज प्रोवाइड कराते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए? दानिश जी, आपने ये कहा ना, अब यहाँ पर पुलिस कह रही है कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के जो मदरसे वहां से प्रोवाइड कराए गए, अब बताइए। सुनिए, पूरी बात तो सुनिए, मैं आपको बताऊँ, पूरी बात नहीं सुनेंगे ना आप, दिक्कत क्या है? देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास कानूनन दस्तावेज है उसके लिए भी मुखालिफत कर रही है भारतीय जनता पार्टी का। और रह गई बात इन्वेस्टिगेशन की, तो गुजरात में तो गुजरात मॉडल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना जाता है। सिर्फ FIR हो, सुनिए, सिर्फ FIR, मुझे ये बताइए, जिसने ये कार्ड ये जिसने सर्टिफाइड किया उसके खिलाफ क्या FIR? FIR में आरोप है उस प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ? नहीं है। अरे तो कार्रवाई पूरी की जा रही है, उसने बता दिया है कि इस मदरसे से उसको मिले थे ये दस्तावेज, बांग्लादेशी मुसलमान था, नाम बदलकर हिंदू बना दिया गया, उसने बताया है पुलिस को। ये आरोपी में लीजिए ना उसको, के बिना तफ्तीश के आपने ये सर्टिफाइड कैसे किया? लीजिए उसको आरोपी में, बताइए, सबूत भी मिल गया। अवधेश जी अब भी नहीं मान रही है, अवधेश जी सबूत, अब तो सबूत मिले उसको। हाँ नहीं, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ दानिश जी, दानिश जी की अपनी समस्या है कि ये भी नहीं दिखना चाहते हैं कि घुसपैठियों के समर्थन में हैं और घुसपैठियों का विरोध भी नहीं करते हैं, ये दो स्थितियां होती हैं। ये बात सही है, अगर किसी राज्य में आधार कार्ड बना है हिंदू नाम से तो उस राज्य के प्रशासन की विफलता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, इसमें ये इशू दो बातें हैं इसमें।
किसी भी देश में घुसपैठी आ जाएंगे, अगर उनकी पहचान नहीं होगी, समाज में घुस जाएंगे तो अनेक समस्याएं पैदा करते हैं। भारत में भी हुई है, दुनिया में भी हो रहा है, पूरा यूरोप इससे परेशान है और बाहर के लोगों को आने से रोक रहा है। इस समय फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली सब जगह ये आवाज उठ रही है कि इनको रोका जाए। कहीं कहीं इसमें कोई दो मत नहीं है, उसमें भारत को भी होना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई है। और एक बात और बता देता हूँ कि रोहिंग्याओं को भारत में आने के पीछे भी कुछ भारतीय तत्व थे। अगर नहीं होते तो भाई रोहिंग्या अगर बंगला म्यांमार से आ रहे हैं तो पूर्वोत्तर में रह सकते हैं, बंगाल में, थोड़ा बहुत बांग्लादेश से आएंगे तो बिहार में हो सकते हैं। वो हैदराबाद में जाके अगर बस रहे हैं, उनको जम्मू कश्मीर में ले जाके बसाया जा रहा है, तो लोग तो इसके पीछे थे तभी बसाए गए हैं। लेकिन अब इसका एक दूसरा पक्ष देखिए, ऐसा सच ये है कि इस देश में 40-42 हजार जो रोहिंग्या हैं, उनमें से ज्यादातर की पहचान है, उनको रिफ्यूजी का कार्ड मिला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अनेक जगह गया हूं, उनको रिफ्यूजी का कार्ड मिला हुआ है। बहुत जगह वो छोटे छोटे कारोबार कर, छोटा छोटा सब्जी बेचने का फलाने कारोबार करते हैं, कुछ उसमें जो है मजदूरी भी करते हैं। असल समस्या हमारे यहाँ के उपद्रवी तत्व है जो रोहिंग्याओं का ज्यादा केसों में रोहिंग्याओं का अपराध में इस्तेमाल करते हैं डरा धमका के। जो नूह में जो हिंसा हुई थी उसमें रोहिंग्याओं का घर उजाड़ेंगे, मैं वहां गया था कर्फ्यू के समय में बात में, लेकिन मैंने जब पता किया है तो वहां के जो जो जो, जो बदमाश मुस्लिम थे अपराधी, उन लोगों ने उनका यूज किया था। अच्छा। तो ये भारत में ज्यादा हो रहा है। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोहिंग्या को 40,000 रोहिंग्या इस देश के लिए इतनी समस्या हो सकता है। 2 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले से यहां है, जिन पर तमाम बातें हो रही हैं। और अभी तक के ज्यादातर टेररिज्म जो घटना हुई है उसको मत भूलिए, जो आईएसआईएस में गए हैं वो आपके यहां के लोग ज्यादा रहे हैं। अच्छा। ये एक इशू है रोहिंग्याओं का, लेकिन रोहिंग्याओं के इशू को जो आज अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की आज नींद खुल गई है, सरकार के 5 साल या 10 साल बीतने के बाद जो आज वो बोल रहे हैं, ये तो दुनिया जानती है कि हमारे देश का जो, अगर नहीं सुनिए, हमारे देश का जो नागरिक नहीं है उसके लिए हमारे देश में सुविधाएं नहीं होंगी। इसमें वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग ने कभी यह विषय पहले नहीं उठाया कि बाहर के घुसपैठियों के कारण हमारे यहां के मुसलमानों का, हमारे यहां के लोगों का कैसे हक मारा जा रहा है। नहीं, एक स्टडी रिपोर्ट दिया है, सब लोग केवल राजनीतिक पॉलिटिकल यूज की तरह घुसपैठियों का और इसका मामला उठाते हैं। इसके समाधान की दिशा में, इनको वापस कैसे किया जाए उसकी दिशा में, हम लोगों ने भी इसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन कोई काम कभी होता नहीं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? की पॉलिटिकल ऐसी पार्टियां हैं जो इनके पक्ष में खड़ी हो जाती है, समस्या सेकुलरिज्म के नाम पर। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय वर्मा जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा है? नमस्ते। देखिए, अभी 2014 में एक पूर्ण देश के प्रधानमंत्री आए थे, अब एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार से सवाल पूछता है अपोजिशन और देश की जनता। तो 40,000 मेरे अभी भाजपा का चश्मा और आरएसएस का चश्मा लगाए एक मित्र बोल रहे थे, फिर से मतलब जी, मतलब शुरुआत हुई नहीं कि आप व्यक्तिगत पहले हो गए। 40,000 बदतमीज आदमी को मैं कभी रिएक्ट नहीं, मैं मतलब शुरुआत हुई नहीं कि आप व्यक्तिगत बीच में ना बोले, 40,000 बता रहे हैं इनको, इनको बैठा। अजय जी बहुत अजीब लगता है, देखिए मैं हमेशा आपको, अजय जी आप बता रहे हैं, एक मिनट अजय जी, मैं हमेशा आपको बहुत सम्मान के साथ में आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन आप टू द पॉइंट नहीं रहते हैं। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इधर उधर व्यक्ति है, किसी का सुनते भी नहीं है। बोलिए अजय जी। अच्छा, बोलिए, टॉपिक पर आइए। अरे सुन तो लीजिए भैया मेरी, आप किसी को 40,000 ये रोहिंग्या बता रहे हैं? अरे नहीं दे रहे भैया, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। 40,000 अगर 4,000 हर साल भी भगाते 145 करोड़ में, तो उसकी परसेंटेज कुछ नहीं आती। लेकिन सरकार की नीति और नियत में बहुत फर्क है। सरकार करती कुछ है, दिखाती कुछ। आज तक मुझे कोई भी डाटा आप बता दो, या ये बता दें, भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि इन्होंने हिंदुस्तान से 2014 से लेके और 24 तक कितने रोहिंग्या भगाए हैं, कितने निकाले हैं, कितनों का कैंसिल कराए। नंबर एक क्वेश्चन। नंबर दूसरा क्वेश्चन, सरकार का एजेंडा था 2014 में, चुनाव में बंगाल में जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे या और भी उस लगी हुई सीमा पे जाएंगे, तो सबसे पहले घुसपैठिए रोहिंग्या, ये इनका पॉलिटिकल विंडेटा है, इस पर काम करना नहीं चाहते। जैसे इलेक्टोरल वांट पॉलिटिकल विंडेटा, जैसे नीट पेपर लीक होना पॉलिटिकल विंडेटा, क्योंकि इन्हें सरकार गिराने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए सरकार को। अच्छा, तभी तो ऑपरेशन लोटस कामयाब होता है, जब सरकार गिराने के लिए।
अरबों खरबों रुपए चाहिए होते हैं, अब वो पैसा तो इसी तरह से सरकार ला सकती है, या तो कोल घोटाले से, या नीट घोटाले से, या आपके नोटबंदी के बाद। आप सुनिए, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो कहा जा रहा है कि उनका देश में बिल्कुल अधिकार नहीं है, देश में किसी भी तरह की कोई स्कीम के लिए वो पात्र नहीं है और उनको वापस यहां से भगा देना चाहिए, क्या इस बात से सही आप मानते हैं, सही या गलत, बस ये बताइए। हाँ, मैं देखिए, मैं पूरे देश में अगर कोई भी नाजायज नागरिक है, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, रोहिंग्या है या अन्य है, मैं इसके पक्ष में ना हम है ना हमारी पार्टी है। ये एजेंडा चलाना सरकार बंद कर, एक तिहाई प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है, हिंदू कहां से नाजायज हो गया, इस पर कार्यवाही करें और नीति बनाए, एजेंडा चलाए। नाजायज तो बोलिए, हिम्मत तो रखिए, खाली भाषण कहां से नाजायज हो गया, नाजायज तो सीधा सीधा रोएंगे आप, खाली खाली भाषण देने से जाती है, हिंदू का नाम ले दिया आपने, खाली भाषण देने से या खाली पॉलिटिकल विंडेटा चला, ये कौन सा बोल रहे हैं, रोहिंग्या ही नाजायज है भाई, हिंदू थोड़ी ना नाजायज है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, ये कौन साहब बोल रहे हैं, सौरभ दुबे जी बोल रहे हैं, और बहुत जायज सा सवाल उठाया, जवाब दे दीजिए, बहुत सही सवाल उठाया, जवाब दे दीजिए। नहीं, सौरभ दुबे कौन है, मेरे सामने टीवी नहीं है ना, तो फिर तो आपको भी चश्मा लगाना चाहिए, प्रवक्ता हैं, आपको चश्मा लगाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये बता भी दिया जाता है कि आपके साथ में कौन चर्चा में होगा, या तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, आपको पता नहीं होगा कौन होगा। अजय जी, आप मुद्दे पे बात कर, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, क्या बात करते हैं, जो मुद्दे की बात है उसका जवाब दीजिए आप, क्या हिंदू को आपने नाजायज बता दिया, इस देश के मुसलमानों को भी नाजायज बता दिया, सुन लीजिए, रोहिंग्या को खुल के मेरी बात सुन लीजिए, जो भी शख्स ये बोल रहे हैं, हाँ बोलिए, अरे भाजपा का चश्मा उतारिए, अरे बोलिए, पॉइंट पर बोलिए ना, जवाब दे सकता हूँ, मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों का जवाब नहीं दे सकता, हिंदू की बात करना क्या, भाजपा मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों का जवाब नहीं दे सकता, करूंगा तो भाजपा पर सम्मान से हिमांशु पूछेंगे, दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ, जब आपके पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश के संसाधनों पर पहला जो प्रियंका आप तुरंत आता हूँ, संख्यक लोगों का है, यही समस्या है आप लोगों, प्रियंका आपके पास आ रहा हूँ, जब धर्म के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हमने कहा कि उनको इज्जत देकर के हम यहाँ वापस लाएंगे, तब आपको दिक्कत क्यों हुई, वो आज आपकी भाषा से हमें समझ में आ गया, ये आप जैसे जो लोग हैं जो ऑपोजिशन में बैठे हैं और ममता बनर्जी जैसे लोग जो हैं जो टेररिज्म को रोज पाल रही हैं, आज आप लोगों की वजह से देश की यह हालत है। देखिए, ज्यादा दूर की बात नहीं है, सिर्फ चार घंटा पहले एसटीएफ ने कुछ टेररिस्ट को बंगाल से पकड़ा है जिनका डायरेक्टली अलकायदा से, अरे छोड़िए ये सब, आप पॉइंट वाली बात सुनिए, सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, नहीं अजय जी आऊंगा, एक मिनट सुनिए, आपको आपको मैंने कितनी तसल्ली से सुना, आपको बहुत शांति से सुना अजय वर्मा, लेकिन आप प्रियंका को सुनिए, जनता ने कभी राम को पॉलिटिसाइज करते हैं, इनके अवसर पर इनको पॉलिटिसाइज करते हैं, मैं आपको डेटा देकर के बताती हूं, मैंने अजय जी आपको सुना, सबने आपको सुना, मौका आपको दिया, प्लीज आप सुनिए, नहीं तो ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, प्लीज कम करिए, प्रियंका बोलिए, जिनका डायरेक्ट लिंक अलकायदा से था, हाँ। और अभी चार घंटा पहले एसटीएफ ने पकड़ा जिसका लिंक फिर अलकायदा से है, हाँ। और ममता बनर्जी कहती है 5,530 करोड़ जो है वो देंगी किसे, किसे एजुकेट करने के लिए, मदरसाओं को, क्यों मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है, तो उन्हें बराबर की एजुकेशन दीजिए ताकि उनके बच्चे भी आईएएस आईपीएस या डॉक्टर बन सके, मदरसा में आप क्या पढ़ाना चाहती है। देखिए, ये पैसा जो है वो टेररिज्म को पनाह देने के लिए सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ये वही ममता बनर्जी है जो 2017 में जब 40,000 रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की, डिपोर्ट करने की बात हो रही थी, तो कहा कि अरे ये कॉमन लोग हैं, हर कॉमन लोग टेररिस्ट नहीं होते, भूल गए वो दिन जब 2005 में कागज फाड़े थे और फाड़ करके एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, हरियाणा, राजस्थान और अब तो गुजरात में भी कुछ कुछ मिल रहे हैं, हर जगह जो है ये फैलते जा रहे हैं अवैध तरीके से, प्रियंका आ रहा हूँ, देखिए देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले ये लोग, नहीं आपने अपनी बात रखी, सबने आपकी बात को सुना, मनोज यादव जी अलग अलग राज्यों में गलत तरीके से आ रहे हैं और मकड़ी के जाले की तरह ये फैलते जा रहे हैं, कुछ राज्यों से इनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है, राज्यों में मदरसे कहें या फिर कुछ और कहें, और वहां पर इनके दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, आप इन पर क्या सोचते हैं, क्या रखते हैं अपनी बात। हिमांशु जी आपको नमस्कार, आपके पैनल में बैठे तमाम सारे बुद्धिजीवियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा, बड़ी अच्छी डिबेट चल रही,
दो लोगों से आपने सवाल भी नहीं पूछा तब भी वो स्टार्ट हो गए, 1 2 3 एंड स्टार्ट, और बड़ी तेजी से गतिस गए। इसीलिए मैंने उंगली उठा दी कि मुझे भैया सवाल पूछ लेना, नहीं पता चले मैं भी स्टार्ट ही होना पड़े मुझे। खैर, ये पहली बार देख रहा हूँ कि एंकर सवाल नहीं पूछ रहा है, लोग जवाब देने के लिए आते हैं, धन्यवाद उनका भी। लेकिन एक बात पूछना चाहूँ, बड़ी अच्छी डिबेट लेके जा रहे हैं लोग इस पैनल में बैठे, भारत का कुछ डेटा वेटा मालूम है कि दुनिया में कितने भारतीय पूरे दुनिया में रहते हैं? और लेटेस्ट डेटा मैंने आपके प्रोग्राम, आपकी टीवी, आपके चैनल के कई प्रोग्राम में रखा, 2012 में 600 लोग अमेरिका में अवैध रूप से घुसपैठ करते थे भारत, आप जानते हैं कितना कर रहे हैं? 96,000 लोग, 96,000, कितने गुना बड़ा है आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसमें सबसे ज्यादा जानते हो कौन घुसपैठिए हैं, कहां, किस स्टेट के? गुजरात, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी आए। वो पिक्चरें भी मैंने आपके चैनल पे दिखाई हैं, कैसे भारतीय सुन लीजिए, बहुत इत्मीनान से सुन रहा हूँ, मैं इत्मीनान से ही एक एक डेटा रखूंगा, फैक्ट्स रखूंगा, फालतू बात नहीं करूंगा। वैसे जो मुसलमानों के लिए बीजेपी के लोग इस तरह की बातें करते हैं, या रोहिंग्या मुसलमान हो या कोई भी, तो अब तो तमाम सारी चीजें दे रहे हैं। हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू जी, धार्मिक यात्रा का पैसा अलग है, मदरसे का अलग है, और मुसलमानों का आरक्षण अलग है, सब कुछ है। तो थोड़ा सा संभल के बोला करिए, नहीं कहीं चंद्रबाबू नायडू जी को बुरा लग गया ना, तो मेरे ख्याल से फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये रोहिंग्याओं का चंद्रबाबू नायडू से या फिर वहां के मुसलमानों से कोई मतलब है? नहीं बताइए ना, कोई संपर्क है? आप कहां से क्या जुड़ रहे हैं, आप ये बताइए ना। अरे मैं अपनी बात कह लूं, अगर आप कहें, मैंने रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र किया, एक बयान अगर आता है इकबाल सिंह लालपुरा की तरफ से, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से हैं, उस पर बात यहाँ पर की जाती है, तो आप अमेरिका भी जाते हैं, आप हर मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन रोहिंग्या के मुद्दे पर आपने नहीं बोला। अरे सुन जाइए, अवधेश जी ने कहा कि बहुत सारे वो रोहिंग्या मुसलमानों को जानते हैं, या जिनका डेटा रिफ्यूजी का है, जिनको इस देश में रहने की जो परमिशन मिली वो रिफ्यूजी। एक कोई दिल्ली के आसपास एक महिला आई है कहीं से, सीमा हैदर नाम, पाकिस्तान से, वो रोहिंग्या नहीं है, पाकिस्तान से, टाउन सा वीजा पासपोर्ट बनवा के भारत सरकार ने उनको एंट्री दी है। थोड़ा ये जो बैठे हैं बुद्धिजीवी लोग ज्ञान देंगे, या भारत सरकार ने उनको रहने की कौन सी अनुमति प्रदान की है, कौन से वीजा के तहत आई है रहने? तो ये जो टीवी पे बैठ के ज्ञानवर्धन करते हैं देश की जनता का, अच्छा, नफरत ठीक है, वो कम से कम, चूंकि आपने आपने पूछा है तो जवाब आप लेंगे। मैंने रोहिंग्या के मुद्दे पर आपसे बात करी, रोहिंग्या की आप बात नहीं कर रहे, आप सीमा हैदर तक भी पहुंच गए, अलग अलग मुद्दों पर पहुंच गए, लेकिन ठीक है, अगर न रह जाए, नहीं नहीं अगर सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, सौरभ जी आपसे भी सवाल था, बता दीजिए। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो सीमा हैदर की बात हो रही थी, सीमा हैदर जो है वो उनका, उन्होंने दुबई से अपना वीजा लगाया हुआ था, उसके बाद नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान आई थी, बकायदे यहाँ पर उनकी जांच की गई थी, उनके पेपर जांचे गए थे, और सब चीजों का तय करने के बाद ही उनको यहाँ पर रहने का अधिकार मिला था। अब आप जाकर के इसकी आरटीआई डालिए और सरकार से पूछिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो मनोज जी है, मनोज जी सुन लीजिए, जिस प्रकार से आपने हिंदुस्तान के बारे में हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को आपने बता दिया घुसपैठिए अमेरिका के अंदर, और आपका सीना जो है गर्व से फूल गया, और रोहिंग्या के नाम पे आपकी जो है जुबान चल गई, ये बताता है कि आपका देश प्रेम बड़ा है, या आपका देश क्यों बड़ा है? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए, जब आप ये कहते हैं कि भारतीय जो है घुसपैठिया बन करके अमेरिका में रहते हैं और आप पकड़े भी लेते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ सागर को, आप बताइए, पहली बात मत हो, जिस प्रकार से रोहिंग्या की बात हो रही है, लगातार सभी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी है, क्या आप उत्तर प्रदेश में बात करता हूँ मुसलमानों का अधिकार छीन कर रोहिंग्या को देंगे? अच्छा एक मिनट, हमारे पास डेटा है, बताइए मनोज जी, बताइए आप मुसलमान, बात यही, बात यही है, सुनिए 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 मनोज यादव जी, इनका सीधा सवाल है, भारतीय मुसलमानों को रोहिंग्याओं से कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, क्यों तोला जा रहा है? बस अवैध रूप से कोई भी देश का नागरिक किसी देश में अगर जाता है तो उसका तुलना आप किससे करेंगे? अरे रोहिंग्या मुसलमानों की बात कर रहा, भारत के मुसलमानों की तुलना कर रहे हैं आप? क्या रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रह रहे मुसलमानों की जगह दर्जा देना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए हिमांशु जी, रोहिंग्या मुसलमान भी देश में अवैध रूप से आए, और भारतीय जो अमेरिका में अवैध रूप से जा रहे हैं वो भी अवैध रूप से जा रहे हैं। आप सीधे भारतीयों से आप कंपेयर करने लगते हैं, आपका ये क्या है? रोहिंग्या मुसलमानों पर खुलकर बोलने की बजाय अगर आप ये बोल रहे हैं कि भारत के लोग बाहर जा रहे हैं और वो घुसपैठिए हैं,
ये आपकी सोच नहीं दर्शाता है, ये सवाल उठाया था उन्होंने, इस पर आप जवाब नहीं देंगे ना। बताएं क्या कि हम बिल्कुल समर्थन में हैं क्या? पार्टी क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का अधिकार छीन करके रोहिंग्या मुसलमानों को देगी क्या? मैं बहुत क्लियर कट मनोज जी जो आंकड़े दे रहे हैं, देखिए एक सेकंड मनोज भाई, मैं चाहता हूँ मनोज भाई एक मिनट आराम से, मनोज शांति से बात हो सकती है, उन्होंने अपनी बात रखी, उनको उत्तर दिया, खत्म हो जाएगी नरेंद्र मोदी अभी सरकार, एक सेकंड कोई बात नहीं, मनोज जी सुनिए ना, मनोज जी ने जो आंकड़ा दिया, आपकी बात को सभी लोग सुनते हैं, मैंने भी बहुत प्रेम के साथ आपकी बात को सुना, इसलिए मैं चाहता हूं कि चर्चा ऐसी हो कि सब लोग अपनी बात अच्छे से रखें, और मनोज जी ऐसा है, आपने कुछ सवाल उठाए तो उसका जवाब, मनोज जी जो आंकड़े दे रहे हैं वो बात सही है कि प्यू रिसर्च सेंटर ने कुछ दिन पहले दिया था कि वो करीब करीब मेरा अपना अंदाजा है कि 96,917 भारतीय जो है अवैध रूप से अमेरिका में जाते हुए पकड़े गए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। हालांकि उसमें स्टेट का वो दे रहे हैं, वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ना मैं उसका खंडन कर रहा हूं ना सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि उस रिपोर्ट में हमने स्टेट नहीं देखा है, वो प्यू रिसर्च सेंटर ने अलग अलग देशों का दिया है। उस जाने वाले में भारतीय जो थे, मैक्सिको भारतीय थे, कनाडाई भारतीय थे, अल सल्वाडोर में रहने वाले भारतीय थे, अलग अलग क्षेत्र थे, वो एक अलग विषय है कि वहां के पासपोर्ट वीजा में वहां किसी को मल्टीपुल वीजा है, किसी को मल्टीपुल नहीं है, फिर वो पकड़े जाते, वो एक अलग है। उसकी तुलना मनोज जी जैसे पढ़े लिखे लोगों को रोहिंग्याओं के साथ हम नहीं कर सकते। पहली बात देखिए, रोहिंग्याओं का जो रिकॉर्ड है वहां म्यांमार में, वो बदमाशों का है, वो टेररिज्म का रिकॉर्ड वहां रहा है, किस ढंग से उन्होंने बौद्धों के साथ मारा है, बाकी हिंदुओं को मारा है, वहां से निकल के बांग्लादेशी गए। अच्छा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हमेशा देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिए कि इसका दूसरा पहलू हम नजरअंदाज करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। रोहिंग्याओं को बसाने में इस देश के खासकर ज्यादातर तो यूपीए सरकार के समय ही आए हैं रोहिंग्या, वही हंगामा हुआ था 2010 से लेकर 12 तक ज्यादातर आए हैं, उन्हीं की सरकार में जम्मू कश्मीर में बसाया, चाहे हैदराबाद में बसाया गया उसमें तो, लेकिन इस समय रोहिंग्या का इशू जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष उठा रहे हैं वो मेरी समझ से परे हैं, एक एक रोहिंग्या बाहर जाए, लेकिन इस समय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को किस आधार पर यह लग रहा है कि रोहिंग्याओं का इशू इतना बड़ा प्रासंगिक हो गया? नहीं सुनिए सुनिए, किसी भी इशू को डाइवर्ट करने से, रोहिंग्या का इशू एक बड़ा इशू है इस देश में, उसको अगर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष उसको पोलिटिसाइज करेंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर रोहिंग्याओं के केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा, कह रहे थे ना उसके मैं विरोध हूं, अजय वर्मा, अजय वर्मा की पार्टी के वकील जब जब वो पकड़े गए हैं, कम से कम 20 केस ये लोग दिल्ली हाईकोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट में इनके लोग ले गए हैं बचाव में, वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का एक बड़ा पद है, उनको अगर इस फिर कह रहा हूं, इस देश के अल्पसंख्यकों का हक अगर जा रहा है रोहिंग्याओं के पक्ष में, अगर जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में, तो वो इशू सामने लेके आना चाहिए, उस इशू को कोर्ट में ले जाना चाहिए। ये सबका सवाल था, ये दानिश जी का भी सवाल था, ये मनोज यादव जी का भी सवाल था, अवधेश जी का भी है और मेरा भी है और सौरभ जी का भी होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर जो आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसको लेकर आप कितने गंभीर हैं, क्या कदम उठाएं, ये बता दीजिए। मैंने पूछा 2014 देखिए इस मुद्दे को लेकर के कदम तब उठेंगे, सवाल मैंने पूछा है तो गंभीरता से इसका जवाब ले लेता हूं। प्रियंका जी से सभी का सवाल है ये, देखिए चाहे वो अपोजिशन हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे सीपीएम हो या टीएमसी पश्चिम बंगाल में, जब तक ये इस चीज पर हाँ नहीं भरेंगे कि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तब तक आप इसकी जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आप देखिए आज इन रोहिंग्याओं को ये यूज कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि ममता बनर्जी के लिए 2005 में रोहिंग्याओं की परिभाषा अलग थी, वो उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स बोलती थी, जो कि वोट बैंक उस वक्त सीपीएम के लिए था, तो वो लड़ाई करती थी। आज यही जब उनका वोट बैंक हो गया है तो वो कहती है ये कॉमनर्स है। तो सारी दिक्कत यही है, जब आप इनको अपने अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करेंगी तब आपको ये इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं दिख रहे, तब आपको नहीं, ये आम जनता सारी चीजें आपको पता है। और मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, तो ऐसी बाधाएं आपके सामने आएंगी, लेकिन आप क्या एक्शन लेंगे? आपने कुछ तो प्लानिंग की होगी ना? देखिए मैं फिर आपको बात बताती हूँ कि बिल्कुल होम मिनिस्ट्री जो है इस पर काम कर रही है और जल्दी रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। मगर मैं फिर कहती हूँ, मैं भी आपको फिर पूछता हूँ, कैसे आएंगे आप कभी पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगा देंगे, किसी और पर लगा देंगे? ये आरोप नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को देखो,
रोहिंग्याओं की पहचान करना, जो शरणार्थियों को कार्ड देना, उनको अगर जरूरत है तो कंसेंट्रेशन और कैंप में डालना, मुझे बहुत सारे मुझे ये बताइए, जो दानिश जी ने जो सवाल पूछा था, दानिश कुरैशी जी ने जो सवाल पूछा था कि ठीक है रिफ्यूजी कार्ड तो वहां पर बना हुआ है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से ले लिया है, जो ऑलरेडी जिनके पास आधार कार्ड है, भारतीय नागरिकता है, उनकी पहचान कैसे? सुनो, दानिश कुरैशी के की पार्टी तो रोहिंग्याओं के पक्ष में हैदराबाद में लड़ती रही है भाई, क्या बात कर रहे हैं ये, इनके पार्टी ने खुद दस को कार्ड बनवाया होगा। जो मैं सुनो, जम्मू में फौज का जो सेंटर है उसके बगल में ले जाके रोहिंग्याओं को बसाया गया, ये बसाने वाले कौन लोग? हैदराबाद में बड़ी आबादी है, हैदराबाद में बड़ी आबादी है, रोहिंग्याओं का दोस्त सुनो आप, मैं रोहिंग्याओं का उसमें कोई दोस्त नहीं है, दोस्त उन भारतीयों का है जो राजनीति कर रहे हैं, उनका स्वागत किया, उनको लाया, उनको बसाया, दानिश जी संरक्षण दिया है। बस तुरंत अजय जी, मनोज जी आपके पास आ रहा है, तो जाएंगे हर देश में जा रहे हैं, स्टेटलेस पीपल है। दानिश जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के और उनके सपोर्टर वाले में जो है, उन लोगों की परेशानी क्या है, ये समय समय पर अपना जो बात है वो बदलते रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि रोहिंग्या या भारत देश के बाहर का कहीं भी कोई कानून गैर कानूनी नागरिक है बाहर का, उसके लिए तो एक लेंथी प्रोसेस है। मुझे ये बता दीजिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कश्मीरी पंडितों को लेकर पूरे देश में हंगामा मचाई थी, 10 साल से सत्ता इनकी है, केंद्र में कब्जा के, केंद्र सरकार से इनके हस्तक है, कितने पंडितों को वहां बसाया ये बता दीजिए, इसका भी जवाब दे दीजिए। नंबर की बात किया, समय समय से मोदी जी आप रोहिंग्या वाले मामले में कश्मीरी पंडितों का सीट है, कश्मीरी पंडित वहां रह रहे हैं, इनको गलतफहमी है, उनके लिए चीजें बनाई गई है। हिमांशु आपका प्रॉब्लम ये है कि आप जो है ना पूरी बात को सुनना नहीं चाहते, आपसे दुश्मनी सुनना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित की बात कही कि क्या किया उनके लिए, उसका जवाब दिया, भारत का नागरिक नहीं है, उसका जवाब दिया, वो भारत का नागरिक नहीं है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए, उसका जवाब दिया गया, उसका जवाब दिया गया। अगर आपने पूछा क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के लिए, उसका जवाब दिया गया, कश्मीरी पंडितों के लिए अगर सरकार ने किया है, उनको किसने बताया है? आज तक वहां पर जिस तरीके से हिलन भी नहीं हो रही है, उन चीजों को सुरक्षित नहीं किया वाली जो बात आती है, क्योंकि ओवैसी साहब देखते हैं जहाँ पे मुस्लिम आ जाता है, जहाँ पर मुसलमान आ जाता है, वहाँ पर आप लोग बोल नहीं पाते। अरे मैं तो पंडितों की बात कर रहा हूँ, कश्मीर के कश्मीरों के पंडितों की बात मुस्लिम कहा जा रही भाई, तो मैं कश्मीर पंडितों की बात बताया गया ना आपको कि क्या कदम उठाया गया। मैं एक प्रियंका जी, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। सौरभ जी, मेरे को ये बताइए आपकी वजह क्या है कि खुलकर, चाहे दानिश कुरैशी हो या फिर कोई और पार्टी हो, खुलकर इस पर अपनी बात नहीं रख पा रहे, स्टैंड नहीं ले पा रहे, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। प्रियंका, देखिए, जो रोहिंग्या की जब बात होती है, घुसपैठियों की बात होती है, तो सीधा सीधा वो जो है कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से खिलवाड़ माना जाता है। और कहीं ना कहीं आप जो अभी भारतीयों की बात कर रहे हैं अमेरिका में, क्या 9/11 वो भारतीयों की वजह से हुआ था हिंदुस्तान, या कौन से लोग थे जो 9/11 अमेरिका में घुस करके कर रहे थे? और हिंदुस्तान के अंदर जो 26/11 हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, वो किस वजह से हुआ? आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ लोग देश की सुरक्षा के लिए जो है वो बहुत ही खतरनाक है, उनके साथ ना हमें खड़ा होना चाहिए, ना समाजवादी पार्टी खड़ा होना चाहिए, ना कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए, ना अन्य लोगों को खड़ा होना चाहिए। हमारे भारत के मुसलमान जो है वो हमारे लिए काफी है, भारत के मुसलमान का सम्मान है हिंदुस्तान में। लेकिन आपने पॉइंट क्या, बहुत कट टू कट, क्या रोहिंग्या मुसलमानों को आप देश के लिए खतरा मानते हैं कि नहीं मानते? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, मैं मनोज यादव जी, एक सवाल था वो आपके पास आया। निश्चित तौर पे हिमांशु जी, देश में अवैध रूप से घुसकर बैठ किए हुए हर व्यक्ति से खतरा है, क्योंकि अवैध रूप से आया एक बार, दूसरी सबसे बड़ी बात, 10 साल की बहुमत की सरकार, क्या उत्तर प्रदेश का कथक कर रही थी या पंजाब का भांगड़ा कर रही थी सरकार? कर क्या रही 10 साल बहुमत की सरकार, आपने क्या किया? 0 रिजल्ट है 0। तो जिसका रिजल्ट 0 हो, जिस सरकार का, किसी मुद्दे पे, उस पर कोई भी सवाल जवाब नहीं हो सकता।
कोई तो डिफेंड करने के लिए और मुझे ये प्रियंका जी बोल रही डिफेंड करने के लिए तो आप ही आते हैं ना, जैसे आज आप रोहिंग्या मुसलमानों पर खुलकर नहीं बोल पा रहे, आप उसमें भारतीयों को भी आपने जोड़ दिया, आप अमेरिका भी चले गए लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों पर खुलकर आप नहीं बोल पाए। बीजेपी हिमांशु जी बेशर्मी के साथ राजनीति करती, व्हाट इज रोहिंग्या मुसलमान में, तो बार बार कह रहा हूँ जो भी अवैध रूप से आए, जो भी अवैध रूप से आए, चाहे वो बंगाल से आए हो, चाहे पाकिस्तान से आए हो, चाहे अफगानिस्तान से आए, सबको मैं स्पेशल किसी एक शब्द पे नहीं है। अरे तो फिर एनआरसी का विरोध क्यों किया? इसलिए किया कि आप लोगों को कानून लाने की अकल नहीं है, आपको समस्या ही नहीं, जो अवैध यहां आए हैं प्रधानमंत्री की डिग्री पर तो फिर आप एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं? पहले आप बताइए इसका मतलब आपको समर्थन करना चाहिए, कोई समर्थन नहीं करना है, कुछ आप ही बता दीजिए सरकार को कि रोहिंग्या को बाहर करने का ये तरीका है, आप दे दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं तो आप अगले से यादव जी से दिलवा दीजिए। एक फाइनल कमेंट अजय जी प्लीज, मुझे उम्मीद है इस बार आप बिल्कुल पॉइंट बात करेंगे, कुछ उम्मीद है मेरे को। एक मिनट मनोज जी, आपने बोला था। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था हिमांशु जी कि मैंने तीन बात पूछी, अभी भी पूछ रहा हूँ, सब सम्मानीय बैठे हैं यहाँ, कि 2014 से लेकर 24 तक इन्होंने कितने रोहिंग्या भगाए नहीं बताया। तीसरा, आप भी सामाजिक न्याय का ध्यान नहीं रखते, 5x2 का चैनल है, 5 चैनल कैसे, एक बीजेपी की प्रवक्ता, एक बीजेपी के मुखौटा कंपनी, एक आरएसएस का चश्मा, एक बीजेपी प्रवक्ता, आपकी दिक्कत क्या है? उनकी मैं शुरुआत भी आपसे करूंगा चर्चा की, मैं शुरुआत भी चर्चा की आपसे करूंगा, लेकिन मनोज यादव साथ कैसी बातें करते हैं तो उनका मन नहीं लगता आपको देखने का। मैं ये स्पष्ट बोल रहा हूँ, सुनिए अजय वर्मा, आप जिस तरह की बात करते हैं, जिस मुद्दे की आप बात करते हैं, लोग वो देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे पूछे पूरब की बताते पश्चिम की है ना, ये बात है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।